हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हिमालयन मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2021 के बाद जो BS6 गाड़ियाँ आई हैं उनकी रियर जो बेस प्लेट है वो काफ़ी छोटी है, और उसके ऊपर अगर आप शेड का टॉप बॉक्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट अस स्टार्ट। द बेस प्लेट ऑफ द बाइक इज़ लाइक दिस, ये देखिए। नाउ इफ यू बाय अ शेड टॉप बॉक्स देन द बेस प्लेट विल बी लाइक दिस। हैव अ क्लोज लुक। इसमें काफ़ी बीच बीच में दुनिया भर के जगह दे रखी हैं कि जहाँ आपका नट बोल्ट जो है फिक्स हो जाए, लेकिन अनलकीली जो हिमालयन की बेस प्लेट है उसमें ये ठीक से फिट नहीं होती हैं। एक तो वो छोटी है, दूसरा उसके जो अपने चार स्क्रू हैं वो इसमें इनमें से किस कहीं पर भी चारों फिट नहीं होते हैं। तो एक छोटी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी जो मैंने की है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फर्स्टली ये बेस प्लेट है जी, और इसमें ये जो है ये एक प्लेट हमने एंड में वेल्ड करवा दी है। इसकी लंबाई तकरीबन 3.5 इंच है, चौड़ाई जो है तकरीबन 1.5 इंच के करीब है, और इसमें ये दो छेद यहाँ किए हैं और दो जो हैं मैंने प्लेट में यहाँ करवाए। 1, 2, 3 एंड 4, ये तो हुए बेस प्लेट को माउंट करने के लिए, और ये जो चार आप होल्स देख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये उसके ओरिजिनल हैं जिससे कि ये बेस प्लेट बाइक पे माउंट होती है। आपको मैं बॉक्स भी दिखा देता हूँ, इस बॉक्स की बात कर रहे हैं। ये है शैड 33 लीटर्स टॉप बॉक्स। इसमें मैंने कुछ रिफ्लेक्टिव टेप्स लगा दी हैं, अदरवाइज इट इज़ वो थोड़ा सा ब्लाइंड आता है। ये इसके पीछे कवर को सहारा देने के लिए फॉर द पिलन, और ये मैंने खरीदा है जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन वन सेकंड फ्रॉम बच्चू मोटर्स विच इज़ मुंबई बेस्ड फॉर्म। टोटल द बेस प्लेट द बॉक्स SH33 और इसके पीछे का जो सपोर्ट है ये सारे मिला के 7,499 का मेरा खर्चा आया है। नाउ अगर आप इसको मॉडिफाई बेस प्लेट को नहीं करना चाहते तो दूसरे ऑप्शंस हैं कि आप नई बेस प्लेट खरीदें। नई बेस प्लेट्स आती हैं 1,000 से शुरू होकर तकरीबन वाइटेरा की 3,000 की आती है जो एल्यूमिनियम वाली है, तो उस खर्चे से अगर आप बचना चाहते हैं, और ये छोटी सी एक मॉडिफिकेशन जो मैंने दिखाई है मैंने आपको इधर से दिखा दी है, पीछे से इट इज़ लाइक दिस, इसमें मेरा खर्चा आया है केवल 100 रुपये। अब मैं आपको बेस प्लेट इस पर लगा के दिखा देता हूँ कि वो लगेगी कैसे। ये जो हैं स्क्रूज विद दीज इंसर्ट्स ये आते हैं शेड के साथ में ही बॉक्स के फॉर माउंटिंग। ये चार हैं जो कि जो चार स्क्रू मैंने आपको दिखाए थे ये उसमें चले जाएंगे, और आप जो हैं ये लीजिए। दिस इज हाउ इट विल गेट माउंटेड। पीछे इसके अब थोड़ा स्पेस भी है कि बॉक्स तकरीबन यहाँ तक आएगा और 2 इंच पीछे इससे, तो जो पीछे पिलन है उसको वो तंग नहीं करेगा, उसको बैठने की जगह मिल जाएगी। ही और शी कैन लीन बैक एंड टेक द सपोर्ट फ्रॉम द टॉप बॉक्स। तो यही था बेसिकली टू हेल्प आउट गाइज हु माइट बी प्लानिंग टू बाय अ टॉप बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ सॉफ्ट पैनियर, और उनको ये दिक्कत आ सकती है कि इसको माउंट कैसे किया जाए। तो बहुत सस्ता सा, बहुत हल्का सा, एक आधे घंटे का काम है,
चार स्क्रू करवाने हैं, किसी भी वेल्डर के पास ले जाइए, एक छोटी सी पत्ती वेल्ड करानी है जो कि थोड़ी सी स्ट्रांग रहे कि वेट ले सके, और टोटल खर्चा जैसे मैंने बताया केवल 100 रुपये, काम आधे घंटे का, और इट विल आपकी ये प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर देगा। थैंक यू।